नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक इन इंडिया पर। मैं हूं गीता राणा। एक बार एक व्यवसायी यानी एक बिजनेसमैन पूरी तरीके से कर्जे में डूब गया था। उसका बिजनेस बिल्कुल बंद होने की कगार पर था। तो वो एक दिन एक बगीचे में बैठकर सोच रहा था कि काश कोई ऐसा इंसान होता जो उसकी कंपनी को बंद होने से बचा लेता। तो वो ऐसा सोच ही रहा था कि वहाँ पर एक बूढ़ा इंसान आता है और वो उससे पूछता है कि क्या बात हो गई भाई, तुम बड़े चिंतित दिख रहे हो, तो अगर तुम मुझे बताओ तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ। तो वो जो बिजनेसमैन होता है वो उस बूढ़े इंसान को पूरी बात बताता है, मेरा बिजनेस बंद होने वाला है, मैं बहुत ही परेशान हूँ। तो ये सुनकर वो बूढ़ा इंसान अपनी जेब से एक चेक निकाल कर उस बिजनेसमैन को पकड़ा देता है और कहता है कि आज से ठीक एक साल बाद तुम यहाँ आकर मुझसे मिलना और ये जितना भी पैसा है मुझे यहाँ पर वापस कर देना। तो वो जो बिजनेसमैन होता है वो जैसे उस चेक को देखता है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उस 50 लाख रुपए के चेक पर उस शहर के सबसे अमीर इंसान का साइन होता है। वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो उसे वहाँ पर वो बूढ़ा इंसान नहीं दिखाई देता, वो वहाँ से चला गया होता है। तो उस बिजनेसमैन को मन में बहुत खुशी होती है और उसके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है कि उसके पास 50 लाख रुपए का चेक है। लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो इस चेक को तभी यूज़ करेगा जब उसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब उस बिजनेसमैन की निराशाएं और चिंताएं दूर हो गई थी, अब उसमें दुगना आत्मविश्वास आ गया था और वो अपने आत्मविश्वास के साथ ही अपने बिजनेस को दोबारा से रीस्टार्ट करने लगा और धीरे धीरे उसका बिजनेस अच्छे से चलने लगा और उसने अपना सारा कर्जा उतार लिया। ठीक एक साल बाद वो बिजनेसमैन उसी पार्क उसी बगीचे में पहुंचा जहां पर उसे वो बूढ़ा इंसान मिला था और वहां जाकर उसने उस बूढ़े इंसान को वो चेक वापस करते हुए बोला कि थैंक यू सो मच, उस दिन अगर आप नहीं होते तो शायद मैं अपना बिजनेस दोबारा से ठीक तरीके से नहीं कर पाता। आपके इस चेक की वजह से, आपकी मदद की वजह से मैंने अपना जो काम था, अपना जो बिजनेस था वो ठीक तरीके से किया और अपने दम पर खुद ही अपना कर्जा वापस कर लिया, मुझे आपके इस चेक को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो अपनी बात पूरी करता कि इससे पहले ही पास के ही एक पागल खाने से कुछ कर्मचारी आए और उस बूढ़े को वहाँ से ले जाने लगे। ये देखकर उस बिजनेसमैन ने कहा कि अरे आप इन्हें नहीं जानते, ये क्या कर रहे हैं आप लोग और इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं, ये तो शहर के सबसे अमीर इंसान रॉकफेलर हैं। तब वो पागल खाने का कर्मचारी कहता है कि अरे भाई ये रॉकफेलर नहीं है, ये तो एक पागल है जो रोज पागल खाने से छूटकर यहाँ बगीचे में आकर लोगों को उल्लू बनाता है, लगता है इसने आपको भी उल्लू बनाया है। वो बिजनेसमैन उस आदमी की बात सुनकर बिल्कुल ही सन्न रह गया। उस बिजनेसमैन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक साल तक वो जिस इंसान को रॉकफेलर समझ रहा था और जिसके चेक के दम पर वो अपने बिजनेस में जोखिम उठा रहा था वो नकली था। काफ़ी देर तक वो सोचता रहा और उसकी समझ में आया कि वो पैसा नहीं था जिसके दम पर उसने अपना बिजनेस दोबारा खड़ा किया, बल्कि वो उसका आत्मविश्वास था जो उसके अंदर ही छुपा हुआ था। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ब्रह्मांड की सारी शक्ति हमारे खुद के अंदर ही छुपी हुई है, जिससे हम कोई भी काम कर सकते हैं। बस हमें ज़रूरत है आत्मविश्वास और निडरता की, जिसके बल पर कोई भी काम किया जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आई होप आज की हमारी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको आज की स्टोरी कैसी लगी।